वाले हैं कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिकली कॉल को रिसीव कर सकते हैं जब आपका फ़ोन ब्लूटूथ या फिर हेडफोन से कनेक्ट होगा। अगर ऐसा है गाइस, आप उसको इनेबल करना चाहते हैं तो आप सेटिंग को इनेबल भी कर सकते हैं, और आप उस सेटिंग को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप उस सेटिंग को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बस आप वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। सबसे पहले गाइस, आपको डायलिंग में जाना है अपना, ठीक है? तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे आप गाइस यहाँ पर, और आपको सेटिंग पर चले जाना है, ठीक है? सेटिंग पर हम आ जाते हैं। सेटिंग पर आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो गाइस, एक ऑप्शन मिलेगा आपको आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स का, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस इसके बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आंसर ऑटोमेटिकली, यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। चलिए इसकी सेटिंग पर क्लिक करते हैं, मतलब इसके अंदर क्लिक करते हैं तो इसकी कुछ सेटिंग्स ओपन होकर आती हैं, जो कि आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड या फिर कस्टम टाइम। अगर हम आफ्टर 10 सेकेंड रख देंगे तो गाइस 10 सेकेंड तक आपकी रिंगटोन बजती रहेगी और आपका उसके बाद आपका फ़ोन रिसीव हो जाएगा जब आपका फ़ोन किसी भी हेडफोन या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा तो। ओके गाइज, तो आई होप कि आप ये कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे गाइज फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय एंड टेक केयर।